हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो हमारी इस टॉपिक पे होगी कि कैबिन क्रू बनने के बाद आप खुद को सेफ कैसे रख सकते हैं। तो चलो मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, आपने कई जगह ये देखा भी होगा कि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि कुछ कैबिन क्रू जो ऐसी थी कि वो पहले एयर होस्टेस बनी और एयर होस्टेस के बाद वो एक्ट्रेस बन गई, आज इंडस्ट्री में वो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे। तो अब मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि अगर आप एक एक्ट्रेस हो तो आपको बहुत सारी सिक्योरिटी मिलती है, आपको गार्ड्स मिलते हैं, आपको वैसे भी बहुत सिक्योरिटी मिलती है कि आपके साथ कुछ गलत ना हो, आप सेफ रहो। ऐसे ही एक बॉलीवुड स्टार या फिर एक फिल्म इंडस्ट्री की तरह एक कैबिन क्रू की लाइफ भी बहुत ग्लैमरस होती है। लोग चाहते हैं उनके बारे में जानना, लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं, तो वो लाइफ भी बहुत ज़्यादा ग्लैमरस होती है, वो जॉब भी बहुत ग्लैमरस होती है। इसीलिए वो भी कई बार खुद को सेफ नहीं महसूस करती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे कि आप देखते होंगे कि इंडस्ट्री में भी जितने मॉडल्स होती हैं, मॉडलिंग लाइफ देख लो, एक्टिंग करियर देख लो, वो सभी ब्यूटीफुल होती हैं, ग्लैमरस जॉब होती हैं। उसी तरह से एयर होस्टेस को भी ब्यूटिफाई किया जाता है, वो मेकअप करके जाती हैं, अच्छी लगती हैं, ब्यूटीफुल यूनिफॉर्म्स पहन के जाती हैं, तो वो भी कई बार खुद को सेफ नहीं फील करती हैं। तो आप खुद को एक कैबिन क्रू बनने के बाद, ऑल दो मैंने आपको बताया है कि कैबिन क्रू की जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर है, उसमें किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं होती है, जिस तरह से लोग बोलते हैं, लोगों की बातों पर मत जाइएगा, जिस तरह से वो लोग बोलते हैं जो नहीं जानते कैबिन क्रू के बारे में या एयर होस्टेस की जॉब के बारे में, तो उन लोगों की बातों पर मत जाइएगा। आप ये सोचो कि आप, क्योंकि मैं बता रही हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में रह चुकी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये जॉब 100% सेफ होती है। मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कंपनी आपको नहीं देगी, आपको खुद को वो चीज़ें फॉलो करनी होगी, तब जाके आप सेफ हो सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपको बॉडी गार्ड भी दे रहा है, आपको हर तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है, आपको आने जाने की कैब्स दे रहा है, उसके बाद भी आप अपनी तरफ से अगर एफर्ट नहीं डालोगे तो आप सेफ नहीं रह पाओगे। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको खुद को सेफ रखना है एज अ कैबिन क्रू, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो मैं आज आपको बताती हूँ। तो पहले तो आप अगर अपने किसी लेओवर पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आप मेक श्योर करेंगे कि आप अपना रूम नंबर जो है वो किसी के भी सामने इतनी ज़ोर से ना बोलें कि कोई और सुने। मान लीजिए आप अपने लेओवर पे गए हैं, आपको एक होटल मिला है, आपने होटल में चेक इन कर लिया है, अब आपका रूम नंबर दे दिया है आपको, अब आपके साथ जो दूसरे कलीग्स हैं वो आपसे आपका रूम नंबर पूछ रहे हैं, तो आप वहाँ से ऐसे रूम नंबर मत बताइए कि बाकी आगे पीछे वाले लोग सुने, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन कब क्या कर सकता है। दूसरी चीज़, क्योंकि कैबिन क्रू इंडस्ट्री जो है वो एयरलाइन से रिलेटेड है, और एयरलाइंस में कैबिन क्रू को रखा इसीलिए जाता है ताकि वो हाईजैकिंग वगैरह ये सब उसको सिखाया जाता है कि पैसेंजर्स को हाईजैकर्स अगर आ जाएं उनको कैसे बचाना है, हाईजैकिंग के कोड्स बताए जाते हैं, तो ये सब वो जानती हैं। वो हाईजैकर्स जो होते हैं वो यही चीज़ों की तलाश में होते हैं कि कोई ऐसा इंसान मिले जिसको ये नॉलेज हो कि हाँ एयरलाइंस के अंदर की चीज़ें क्या हैं, कोड्स क्या हैं, या वो क्या ऐसा करते हैं जिससे वो बचा पाएँ अपनी एयरलाइंस को। तो वो सब जानने के लिए भी हाईजैकर्स जो हैं कई बार कोशिश करते हैं कि कैबिन क्रू पे अटैक हो, और कई बार ऐसा हिस्ट्री में हो चुका है कि कैबिन क्रू पे हाईजैकर्स का अटैक हो चुका है, कई बार कैबिन क्रू के घर पे अटैक हुआ है, कई बार होटल्स में हुआ है, कई बार एयरपोर्ट प्रमाइसिस पे हुआ है। तो इसलिए इस चीज़ का भी हमें पूरा पूरा ध्यान रखना है कि हम अपना बैग कहीं भी ना छोड़ें, क्योंकि हमारे बैग में भी कई ऐसी मैनुअल्स होती हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उनके काम में आ सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपना बैग कहीं भी अनअटेंडेंट ना छोड़ें। फिर हमें एक आईडी कार्ड जो मिलता है जिससे हम एयरपोर्ट में एंट्री लेते हैं, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम अपना आईडी कार्ड कहीं भी ऐसे ही ना छोड़ दें, क्योंकि वो आईडी कार्ड भी किसी के काम आ सकता है। कोई भी वो आईडी कार्ड पहन के अगर अपने फेस पे थोड़ा सा भी, अभी तो मास्क का टाइम चल रहा है, तो कोई भी अगर मास्क लगा के वो आईडी कार्ड ले जाए एयरपोर्ट पे, तो ये भी एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस हो सकता है, कोई भी हमारी आईडी यूज़ करके एयरपोर्ट के अंदर घुस सकता है, तो इसलिए वो आईडी भी हमें सेफली रखनी है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अपना नंबर हमें ज़्यादा अननोन लोगों के साथ शेयर नहीं करना है,
फेसबुक और ये जो सोशल मीडिया है इन सबको अपना हाइड करके रखना है। तो ये चीज़ें हमें और फेसबुक और इंस्टाग्राम ये सब जो भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं इन पे कुछ भी ऐसी चीज़ें ना डालें जो कि हमें ट्रेनिंग में सिखाई गई हों और हम लोग उसको ऐसे ही पब्लिकली दिखा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि मैंने अपनी ट्रेनिंग का एक भी फ़ोटो एक भी वीडियो आप लोगों के साथ अभी तक शेयर नहीं किया है। तो इसीलिए ये कुछ चीज़ें थी जो आपको एज अ कैबिन क्रू ध्यान में रखनी होती है और आपको इन चीज़ों से प्रोटेक्शन रहती है, आप इन चीज़ों से खुद को सेफ फील कर सकते हैं अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे। तो इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।